सीतापुर नाम का एक गांव था, जहां सरस्वती नाम की एक बूढ़ी अम्मा अपने पोते के साथ रहा करती थी, जिसका नाम था बंसी, जो केवल 5 साल का था। बंसी के मम्मी पापा का एक हादसे में मौत हो गई थी। तब से सरस्वती अम्मा ने बंसी की जिम्मेदारी उठा ली थी और गरीबी में दिन काट रही थी। एक रात अचानक तूफान आने लगा, बिजली भी बहुत तेज कड़क रही थी। अचानक बंसी की नजर घर के बाहर पड़ी, जहां उसने देखा कि बौनी परी उसे बुला रही थी। बंसी, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने खिलौना रखा है। बौनी परी की आवाज सुनकर बंसी उस परी के पास चला गया। बाहर बौनी परी एक ठेले के पास खड़ी थी और बंसी से कहने लगी, इस ठेले पर अपनी दादी को बोलना कि कोफ्ता बनाकर बेचे, लौकी का कोफ्ता, पालक का कोफ्ता, पनीर का कोफ्ता। लेकिन आप है कौन? आप हमारी मदद क्यों कर रही हैं? तब जाकर बौनी परी ने बंसी को सारे राज बताए। तुम्हारे पापा ने कई साल पहले मेरी मदद की थी। तुम्हारे पापा कोफ्ता बहुत अच्छा बनाया करते थे और गरीबों को खिलाया करते थे। उसमें तुम्हारी अम्मी और दादी दोनों शामिल थी। उनके अच्छे और नेक काम करने के कारण ही मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। इतना कहकर बौनी परी वहाँ से चली गई और बंसी को ढूंढते हुए वहाँ उसकी दादी आ गई। बंसी बेटा, तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? और ये ठेला किसका है? ये यहाँ कहाँ से आ गया? ये हमें एक छोटी सी परी ने दिया है। तब जाकर बंसी ने अपनी दादी को सारे राज बताए। बंसी, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने खिलौना रखा है। इस ठेले पर तुम अपनी दादी को बोलना कि कोफ्ता बनाकर बेचे, लौकी का कोफ्ता, पालक का कोफ्ता, पनीर का कोफ्ता। अब मुझे सारा माजरा समझ आया। जब मैं तुम्हारे पापा और अम्मी के साथ कोफ्ता बेचा करती थी, तब एक बौनी भिखारी वहाँ आकर रोज कोफ्ता खाया करती थी। कहीं वो परी तो नहीं थी? अब से हम हर रोज कोफ्ता बेचेंगे, सिर्फ 10 रुपए में। फिर क्या था, अगले ही दिन से सरस्वती और बंसी ने मिलकर उस गांव में कोफ्ते बेचने चालू कर दिए। लौकी कोफ्ता, पनीर कोफ्ता, पालक कोफ्ता, मंचूरियन कोफ्ता, भिंडी कोफ्ता, मेथी कोफ्ता, आ जाओ आ जाओ, केवल 10 रुपए में। गांव के ढेर सारे लोग उनके यहाँ पर कोफ्ते खाने आने लगे। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, जरा मैं भी खा कर देखूं। मुझे एक प्लेट लौकी के कोफ्ते देना। ये लो। जैसे ही उस आदमी ने कोफ्ते खाए, वो एकदम खुश हो गया। वाह भाई वाह, ये कोफ्ते तो वाकई में बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ पर अपने दोस्तों को भी भेजूंगा और उन सबको बताऊंगा। धीरे धीरे सरस्वती के 10 रुपए के कोफ्ते हर जगह मशहूर हो गए। सभी लोग सरस्वती के ठेले के सामने भीड़ लगाए खड़े रहते और अपनी अपनी बारी का इंतजार करते। उनके घर की स्थिति भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। बंसी भी अब एक अच्छे स्कूल में जाने लगा था। यार, इस बुढ़िया ने आखिर क्या जादू कर दिया है? ये कैसे मुमकिन है? आज से 3 महीने पहले घर में 10 रुपए का चिमटा नहीं था, और अब देखो कैसे वो जमीन पर जमीन खरीद रही है। कोई ना कोई राज तो जरूर है। ठीक कहा भीमनाथ भैया, कोई ना कोई राज तो जरूर है। आज रात जब सब सो जाएंगे, तब हम वहां जाकर पता लगाने की कोशिश करेंगे और इस ठेले को खाई से नीचे ढकेल देंगे। इसकी फिक्र मत करो भैया, मैं ये देख लूंगा, उस ठेले की तो कोई खैर नहीं। जैसे ही रात हुई, भीमनाथ का चोर वहाँ ठेले के पास जाकर खड़ा हो गया। ठेले के पास खड़े होते ही वहाँ एक बोनी परी आ गई और कहने लगी, मुझे पता था कोई ना कोई इस गांव का जरूर होगा।
जो ये सब करेगा, जो इस हंसते खेलते परिवार को नजर लगाएगा। बावनी, तुम मेरा क्या करोगी? चली जाओ यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो। तुम मेरी बात ऐसे नहीं मानोगे। रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। उस बौनी परी ने अपनी शक्तियों से उस चोर को पंख लगा दिए। जैसे ही उस चोर को पंख लगे, वो उड़कर वहाँ से दूर चला गया। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। उस चोर की आवाज सुनकर वहाँ पर सारे लोग जमा हो गए। सरस्वती और बंसी भी वहाँ आ गए। ये सब क्या हो रहा है और कौन हो तुम? इस बौनी से कहिए मुझे नीचे उतारे, मैं अब चोरी कभी नहीं करूँगा। मुझे यह सब भीमनाथ ने कहा था करने के लिए। मैंने कब कहा? ये झूठ बोल रहा है, मैं भला ऐसे क्यों कहूँगा। आज के बाद अगर कोई भी सरस्वती अम्मा और बंसी को परेशान करेगा तो उसका भी यही अंजाम होगा। इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दो। गांव वालों ने भीमनाथ और उस चोर को पुलिस के हवाले कर दिया और अपनी दुकान दोबारा बहुत अच्छे से चलाने लगे। सरस्वती के 10 रुपए के कोफ्ते हर जगह मशहूर थे। मैंने तुम्हारे कोफ्ते के बारे में बहुत सुना है, क्या तुम मुझे पनीर के कोफ्ते खिलाओगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे ही सरस्वती अम्मा ने उस अंग्रेज को पनीर के कोफ्ते खिलाए, उसने अपने वीडियो और ब्लॉग के जरिए उसे इंटरनेट पे डाल दिया। उस वीडियो पर कई सारे लाइक्स और कमेंट्स आ रहे थे। उस वीडियो के जरिए देश विदेश में भी सरस्वती अम्मा के कोफ्ते मशहूर हो गए। बंसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने लगा और सरस्वती अम्मा अपने 10 रुपए के कोफ्ते से बहुत खुश और अच्छा जीवन बिताने लगी और गरीबों की मदद करने लगी।